हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में आईयूपीएससी यौगिकों के नाम से उनके सूत्र बनाना है ना, उसका डिस्कशन मैंने आपसे कर लिया था, तो उसी के जस्ट बाद इस चैप्टर का जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा वो है आपका समावयवता, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं आइसोमेरिज्म, है ना। अब ये समावयवता, यहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है करने के लिए, है ना। तो देखिये यहाँ पर जो आइसोमेरिज्म में लिखा हुआ समावयवता, देखिये इससे पहले आपने क्लास 11th में समावयवता के बारे में पढ़ा होगा, है ना। अगर आपने ठीक ढंग से स्टडी किया होगा तो क्लास 11th में आइसोमेरिज्म पढ़ाई जाती है, समायवता पढ़ाई जाती है, है ना। अंतर डिफरेंस ये होता है कि यहां पर समायवता आपको उपसह संयोजक यौगिकों के बारे में पढ़नी है, और वहां पर जो होती है तो वो आपको विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिकों के अंदर देखने को मिलती है, है ना। तो सबसे पहले यहां पर देखिएगा समावयवता लिखा हुआ है, आइसोमेरिज्म लिखा हुआ है, है ना। तो सबसे पहले आपको यही जानकारी होनी चाहिए कि समावयवता आखिर होती क्या है, है ना, आइसोमेरिज्म क्या होती है, है ना। तो समावयवता जो आपकी है, आइसोमेरिज्म जो है, एक बिल्कुल जर्नल सा डिस्कशन इसका ये है कि ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, यानी वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनके भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं या अलग अलग होते हैं, यानी डिफरेंस आपको कहां देखने को मिलेगा। तो डिफरेंस जो देखने को मिलेगा वो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में, है ना। यानी कोई ऐसे दो यौगिक ले लीजिए जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग हों, तो वो एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। समावयवी क्यों है, क्योंकि उनका अणुसूत्र समान है, है ना। अंतर कहां है, तो अंतर उनके भौतिक और रासायनिक गुणों में होता है। तो ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन उनके भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं, और यह गुण समावयवता कहलाता है, है ना। जैसे यहां पर देखिए, एक जनरल एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, देखिएगा यहां पर जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया C2H6O, देखिए मैंने एक अणुसूत्र ले लिया है C2H6O, यानी दो कार्बन छह हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, ये मैंने एक अणुसूत्र ले लिया, ये अणुसूत्र। अब इस अणुसूत्र से मैं दो कंपाउंड बना दूंगा जिनके भौतिक और रासायनिक गुण क्या होंगे, बिल्कुल अलग अलग होंगे, लेकिन अणुसूत्र नहीं बदलेगा, दो कार्बन छह हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन यही दोनों में रहेगा, है ना। तो इस प्रकार से चलिए देखिएगा, तो मैंने एक अणुसूत्र लिया C2H6O, यानी दो कार्बन छह हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, इन दोनों को लेकर के दो यौगिक बना दिए हैं। जरा देखिएगा ध्यान से, तो एक देखिए C2H5OH, एक ये देखिए मैंने बना दिया, इसको कहते हैं एथिल एल्कोहल, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एथिल एल्कोहल, इसको कहते हैं एथिल एल्कोहल। देखिए अणुसूत्र सेम है, दो कार्बन, दो कार्बन छह हाइड्रोजन, तो पांच और एक छह हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन यहां भी, यानी अणुसूत्र नहीं बदला, है ना। लेकिन ये है कौन, एथिल एल्कोहल। इधर इसको देखिएगा तो एक दो दो कार्बन, तीन और तीन छह हाइड्रोजन, और बीच में एक ऑक्सीजन है, इसका नाम है डाइमिथिल ईथर। तो चलिए यहां लिख देते हैं डाई मिथिल ईथर। तो देखिए यहां पर बनने वाले दो कंपाउंड तो अलग अलग हैं, है ना, लेकिन उनका अणुसूत्र सेम है। कौन सा अणुसूत्र था, C2H6 एक ऑक्सीजन, यानी दो कार्बन छह हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, तो दो कार्बन छह हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, इन दोनों को अरेंज करके मैंने दो अलग अलग यौगिक बना दिए। देखिए एक बनाया एल्कोहल और एक बनाया इथर, है ना। अब एल्कोहल के भौतिक गुण अलग होते हैं,
ईथर के भौतिक गुण अलग होते हैं, एल्कोहल के रासायनिक गुण अलग होते हैं, ईथर के रासायनिक गुण अलग होते हैं। तो आ गई ना वही बात कि इनका अणुसूत्र समान है। अणुसूत्र देखेंगे दोनों में आपको दो कार्बन मिलेंगे, छह हाइड्रोजन मिलेंगे, एक ऑक्सीजन मिलेंगे, है ना। तो दो कार्बन, छह हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, दोनों के अंदर आप गिन लीजिए, दो कार्बन, छह हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, दो कार्बन, छह हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। तो अणुसूत्र दोनों का समान है लेकिन दोनों की संरचना अलग अलग हो गई, यानी दोनों यौगिक क्या है, अलग अलग। एक आपका एल्कोहल है और दूसरा आपका ईथर है, है ना। इन दोनों के भौतिक और रासायनिक गुण क्या होंगे, बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे, है ना। तो इस प्रकार से समायवता को हम समझ सकते हैं। उसको मैं क्लियर करने के लिए आपको एक एग्जांपल लेकर के ही आपको समझा दिया है कि एक अणुसूत्र मैंने ये ले लिया था, इसको मैंने अरेंज करके दो यौगिक बना दिए। दो यौगिक में एक यौगिक बना एल्कोहल, दूसरा बना ईथर। तो एल्कोहल के भौतिक रासायनिक गुण अलग होते हैं और ईथर के भौतिक और रासायनिक गुण अलग होते हैं, है ना। तो ये हो जाती है समावयवता। और ये यौगिक एक दूसरे के क्या होंगे, समावयवी होंगे। समावयवी क्यों होंगे, क्योंकि इनका अणुसूत्र समान है इसलिए, लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न है, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो जाता हमारी समायवता को समझने का छोटा सा एग्जांपल। उसके बाद देखिएगा समायवता क्या है, आपकी दो भागों में डिवाइड कर दी जाती है, है ना। पहला देखिएगा क्या है, संरचनात्मक समायवता, यानी एक साइड में क्या है आपका संरचनात्मक समावयवता, दूसरी देखिए क्या है त्रिविंग समायवता। इंग्लिश में इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, है ना, और इसको कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक। अब देखिए संरचनात्मक समायवता, है ना, संरचनात्मक समायवता किसे कहेंगे, तो संरचनात्मक समायवता की बिल्कुल आसान डिफिनेशन है कि वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्र क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं, है ना। और यह गुण संरचनात्मक समायवता कहलाता है, यानी यहां पर भी यौगिकों के अणुसूत्र समान होंगे लेकिन उनकी संरचना क्या होगी, अलग अलग होगी, संरचना में अंतर आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो उसे हम कहते हैं संरचनात्मक समावयवता। उसके बाद देखिए संरचनात्मक समायवता जो है वो कई टाइप की होती है, यानी इसके भी अंदर कई टाइप आपको मिलते हैं। पहला क्या है, आयनन समायवता, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म इसको कहते हैं। दूसरी क्या है, जलयोजन समायवता, यानी हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। तीसरी है बहुलकीकरण समायवता, तो बहुलकीकरण समायवता पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। उसके बाद उपसह संयोजन समायवता, यानी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। उसके बाद लिगेंड समावयवता, यानी लिगेंड आइसोमेरिज्म। उसके बाद है बंधनी समायवता, लिंकेज आइसोमेरिज्म कहते हैं इसको, है ना। तो ये हो जाती है संरचनात्मक समायवता आपकी सिक्स टाइप की, इसमें पढ़ना है आपको। उसके बाद इधर देखिएगा त्रिविम समायवता, है ना, स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होती। अब जो त्रिविम समायवता होती है वो आपकी, तो इसमें क्या होगा कि यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन त्रिविम, त्रिविम का मतलब ये है एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, उसको कहते हैं त्रिविम, है ना। त्रिविम में अणुओं का जो अरेंजमेंट होता है, जो उनकी व्यवस्था होती है, वो क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, है ना। तो उसे हम कहते हैं त्रिविम समायवता। अब त्रिविम समायवता आपकी दो टाइप की हो जाती है, एक है आपकी ज्यामितीय समायवता और दूसरी है प्रकाशिक समावयवता, है ना। तो एक होगी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरी होगी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना। यहां पर ज्यामितीय समायवता, प्रकाशिक समायवता भी आपको दोनों पढ़ना है। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये समायवता हो जाती है और समावयवता का ये हो जाता है आपका क्लासिफिकेशन, यानी वर्गीकरण, है ना। तो आप क्या करिए कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं एक एक करके सभी का डिस्कशन आपसे करता हूं। तो चलिए डिस्कशन करते हैं यहां पर समायवता के विषय में। तो अभी मैंने आपको जो डिफिनेशन बताई है, पीछे आपके डिफिनेशन ही लिखी हुई, देखिए इसमें क्या बताया गया है। तो यहां पर देखिएगा लिखा हुआ कि जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान परंतु उनके भौतिक व रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, है ना, तो वे एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। आ गई वही बात कि अणुसूत्र समान है लेकिन भौतिक रासायनिक गुण क्या है, भिन्न भिन्न है, तो एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं।
और यह गुण समावयवता कहलाता है, और इस गुण को क्या कहते हैं, समावयवता कहते हैं। उसके बाद उपसा संयोजक यौगिकों में मुख्यतः दो प्रकार की समावयवता पाई जाती है, यानी उपसा संयोजक यौगिकों में मुख्यतः दो प्रकार की समावयवता देखने को मिलती है। कौन कौन सी है, तो जो कि क्या है, निम्न है। नंबर फर्स्ट क्या है कि संरचनात्मक समावयवता, और सेकंड क्या है आपकी प्रकाशिक समावयवता। तो अभी जैसे मैंने आपको पीछे क्लासिफिकेशन में बताया था संरचनात्मक समावयवता के कितने प्रकार होते हैं, उन सभी के बारे में डिस्कशन करना है, और उसके बाद हमें पढ़ना है प्रकाशिक समावयवता के बारे में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर वन बाय वन करके मैं सभी का डिस्कशन आपसे करता हूं। तो चलिए डिस्कशन करते हैं यहां पर संरचनात्मक समावयवता के बारे में। तो देखिए लिखा हुआ कि संरचनात्मक समावयवता, अब ये संरचनात्मक समावयवता क्या होती है इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, है ना। यानी जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणु सूत्र समान होते हैं, है ना। यानी जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणु सूत्र समान होते हैं परंतु उनकी संरचना क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है ना। परंतु उनकी संरचना भिन्न भिन्न होती है, तो ऐसे यौगिक एक दूसरे के संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं, और यह गुण संरचनात्मक समावयवता कहलाता है ना। ये डिफिनेशन बन जाएगी आपकी संरचनात्मक समावयवता की। यानी यहां पर क्या है कि यौगिकों के अणुसूत्र समान होंगे लेकिन उनकी संरचना क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, तो उसे हम कहते हैं संरचनात्मक समावयवता। तो ये हो जाएगी डिफिनेशन इसकी। उसके बाद अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि संरचनात्मक समावयवता कई टाइप की होती है, टोटल 6 टाइप मैंने आपको पीछे बताया है ना। वहां पर देखेंगे क्लासिफिकेशन में, तो मैंने अभी आपको पीछे 6 टाइप इसके बताए हैं संरचनात्मक समावयवता के, है ना। तो उसमें से पहला देखिएगा आपका जो होता है वो है आयनन समावयवता, इसको इंग्लिश में कहते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयनन समावयवता। अब देखिए आयनन समावयवता क्या है ना। तो आयनन समावयवता बिल्कुल आसान है कि यहां पर जो संकुल यौगिक होंगे या संयोजन यौगिक होंगे वो टूट करके भिन्न भिन्न आयन प्रदान करेंगे, तो उसे हम कह देंगे आयनन समावयवता। यही इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है। तो चलिए देखिएगा क्या है। देखिए लिखा हुआ कि समान अणु सूत्र वाले उपसह संयोजन यौगिक, यानी समान अणु सूत्र वाले उपसह संयोजन यौगिक जब जल में घुल करके भिन्न भिन्न आयन प्रदान करते हैं तो उसे हम आयनन समावयवता कहते हैं, है ना। देखिए यही लिखा हुआ है कि वाले उपसह संयोजन यौगिक जब जल में घुल कर भिन्न भिन्न आयन प्रदान करते हैं तो उसे आयनन समावयवता कहते हैं। सब में आपको डिफिनेशन एज इट इज ऐसे ही रहेगी, थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाना है बस। यानी समान अणुसूत्र वाले उपसह संयोजन यौगिक जब जल में घुल करके वाटर में डिजॉल्व करने पर भिन्न भिन्न आयन प्रदान करते हैं तो उसे हम कहते हैं आयनन समावयवता, है ना। ये डेफिनेशन बिल्कुल आसान सी हो जाएगी। एग्जाम्पल देखिएगा, लिखा हुआ CONH3 to the whole 5 NO2 SO4, वह CONH3 to the whole 5 SO4 NO2। देखिए ये दो कंपाउंड आपके सामने लिखे हुए हैं, आप जब इनको पानी में डिजॉल्व करेंगे, पानी में घोलेंगे, तो देखिए ये कैसे टूटेगा। तो अगर इसको आप तोड़ेंगे तो ये टूट जाएगा। देखिए इसमें क्या मिलेगा आपको, यहां पर मिलेगा CONH3 to the whole 5 NO2, है ना। SO4 अलग हो जाएगा टूट करके, तो यहां पर हो जाएगा SO4। SO4 के ऊपर डबल माइनस लगता तो यहां पर लगेगा डबल प्लस, तो दो प्लस और दो माइनस आपको ये चार्ज मिलेगा। यानी आयनिक मंडल में क्या है, SO4 मिला। इधर वाले में देखिएगा इसमें, तो इसमें आपको मिल जाएगा CONH3 to the whole 5 SO4, और यहां पर क्या मिलेगा आपको NO2। NO2 पर एक माइनस लगता है तो यहां एक माइनस और यहां एक प्लस। तो यहां पर देखिए आपको आयनिक मंडल में, आयनिक मंडल क्या है, ब्रैकेट के बाहर वाला भाग, बड़े ब्रैकेट के बाहर का भाग आयनिक मंडल होता है। तो आयनिक मंडल में आयनों की संख्या अलग अलग है, अलग अलग प्रकार के आयन मिले हैं। देखिए यहां पर कौन मिला है, NO2 माइनस, यहां पर कौन मिला है, सल्फेट आयन। तो देखिए यहां पर भिन्न भिन्न प्रकार के आयन मिले कि नहीं मिले, एक जगह पर मिला NO2 और दूसरी जगह पर मिला है सल्फेट, है कि नहीं। तो यही डिफिनेशन कह रहे थे कि वाटर में डिजॉल्व करने पर, जल में घोलने पर भिन्न भिन्न आयन प्रदान करते हैं तो उसे हम आयनन समावयवता
कहते हैं। ये दोनों एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये हो जाती है हमारी आयनन समावयवता। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगली समावयवता का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए देखते हैं, नंबर दो है हाइड्रेशन आइसोमेरेज, यानी जल योजन समावयवता। अब देखिए जल योजन समावयवता क्या होती है आपकी, इसको आपको समझना है। तो देखिए जल योजन समावयवता नाम में क्या है, जल योजन, इसका मतलब यहाँ जल से रिलेटेड कोई ना कोई बात होगी। हाँ, तो जल से रिलेटेड बात यह है कि जब इन कंपाउंड को आप पानी में डिजॉल्व करेंगे, घोलेंगे, तो यहां पर क्या है कि जल के अणुओं की संख्या में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। कहां पर, आयनिक मंडल और समन्वय मंडल के अंदर, यानी वह समावयवता जिसमें आयनिक मंडल और समन्वय मंडल में जल के अणुओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे हम जल योजन समायता कहते हैं। आप अगर समझ गए इसको तो अपने हेडिंग अपने दिमाग से सोच करके भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि यही डेफिनेशन रटा ही जाए। अगर जल योजन समायता आपके समझ में आ गई, मैंने बताया इसमें मेन पॉइंट क्या होगा, मेन पॉइंट इसमें यह होगा कि वह समायता जिसमें किसी उपसह संयोजन यौगिक के आयनिक व समन्वय मंडल में जल के अणुओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो उसे हम जल योजन समायता कहते हैं। आप इस तरीके से भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो चलिए देखिए यहां पर क्या लिखा है, यहां पर लिखा कि समान अणुसूत्र वाले उपसह संयोजन यौगिक, यानी समान अणुसूत्र वाले उपसह संयोजन यौगिक जिनके आयनिक व समन्वय मंडल, समन्वय मंडल क्या होता है, आयनिक मंडल का मैंने आपको कई बार बताया है, समन्वय मंडल को कभी कभी उपसह संयोजन मंडल भी कह देते हैं, मतलब बड़ा वाला ब्रैकेट, बड़े वाले ब्रैकेट के जो अंदर का भाग होता है वो कहलाता है समन्वय मंडल, ठीक। तो आयनिक व समन्वय मंडल में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है, यानी समन्वय मंडल और आयनिक मंडल में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, एक दूसरे के जलयोजन समावयवी कहलाते हैं। तो वो कंपाउंड एक दूसरे के क्या होंगे, जलयोजन समावयवी होंगे, और यह गुण क्या कहलाता है, जलयोजन समावयवता कहलाता है। यही डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई, इसके एग्जांपल देखिएगा। तो Fe2O6Cl3 व Fe2O5, और यहां पर देखिए एग्जाम्पल इसका देखिएगा, तो Fe2O6Cl3 है व Fe2O5Cl2. यहां पर लगा हुआ है H2O। तो यहां पर देखिएगा ध्यान से, यहां पर ब्रैकेट के अंदर वाटर कितने हैं, तो 6, यानी यहां पर समन्वय मंडल में वाटर कितने हैं, तो समन्वय मंडल में वाटर है 6, यहां पर समन्वय मंडल में वाटर कितने हैं, तो 5, यहां पर आयनिक मंडल, आयनिक मंडल ब्रैकेट के बाहर वाला भाग, आयनिक मंडल में कोई भी जल का अणु नहीं है, यहां पर आयनिक मंडल में जल का एक अणु आ गया या उपस्थित है। तो यहां पर देख लीजिए आयनिक मंडल और समन्वय मंडल में जल के अणुओं की संख्या अलग अलग है, यहां पर कितने हैं, तो यहां पर समन्वय मंडल में 6 जल के अणु हैं, यहां पर समन्वय मंडल में कितने हैं, तो 5 हैं, यहां पर आयनिक मंडल में कोई भी जल का अणु नहीं है, यहां आयनिक मंडल में एक जल का अणु उपस्थित है। तो हो गया अंतर, आयनिक मंडल और समन्वय मंडल में जल के अणुओं की संख्या अलग अलग है, है ना। तो इसलिए इसे कहा गया है जल योजन समावयवता, इसे कभी कभी विलायकन समावयवता भी कह दिया जाता है, तो आप वो भी ध्यान रखिएगा। दूसरा नाम है इसका विलायकन समावयवता, मतलब इस नाम से पूछ लिया जाए तब भी आपका यही लिखना होगा आपको, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगली समावयवता का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए देखिएगा, तीसरा जो थर्ड टाइप है आपका वो है बहुलकीकरण समावयवता, यानी पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। तो चलिए देखते हैं इसको। तो यहां पर देखिए लिखा है, समान अणुसूत्र एवं भिन्न भिन्न आणविक संगठन वाले संकुल यौगिक एक दूसरे के बहुलकीकरण समावयवी कहलाते हैं, और यह गुण बहुलकीकरण समावयवता कहलाता है। यानी भिन्न भिन्न आणविक संगठन वाले, है ना, जो संकुल यौगिक होते हैं वो एक दूसरे के बहुलकीकरण समावयवी कहलाते हैं, और इस गुण को क्या कहते हैं, बहुलकीकरण समावयवता कहते हैं। तो चलिए एग्जांपल में देखिएगा, यहां पर देखिए एग्जांपल लिखा PtNH3 to the whole 12 Br2। अब देखिए यहां पर 2 लगा हुआ है, इस 2 का मतलब क्या है, इस 2 का मतलब ये है कि ये सब क्या है, ये कंपाउंड पूरा 2 बार, यानी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बार प्लेटिनम, 2^4 अमोनिया और 2^4 ब्रोमीन, है ना। वह
PTNH3 टू द होल 4 और PTBr 4। तो इसे कंपाउंड को इस तरीके से खोल करके भी हम अलग अलग लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो यहां पर क्या है कि ये और आपका ये एक दूसरे के क्या है, बहुलकीकरण समावयवी हैं। यहां पर देखिए एक अणु बना करके लिख दिया गया, यहाँ 2 लगा दिया गया तो एक सिंगल फॉर्म में लिख दिया गया। यहां पर दोनों को क्या है अलग अलग करके लिख दिया गया है, लेकिन इनका अणुसूत्र तो सेम ही है। अणुसूत्र सेम होने का मतलब क्या है कि 2 प्लेटिनम है, 4 अमोनिया है, 4 ब्रोमीन है, यही तो है, दोनों में आप गिन सकते हैं। तो अणुसूत्र तो इनका बिल्कुल समान है ना, अणुसूत्र समान है लेकिन इनके संरचना क्या है भिन्न भिन्न है। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, बहुलकीकरण समावयवी कहलाएंगे। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आपसे डिस्कशन करता हूं। तो चलिए डिस्कशन कर लेते हैं अगली समावयवता के विषय में। तो यहां पर देखिएगा अगली जो समावयवता है वो है आपकी उपसहसंयोजन समावयवता, यानी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म इसको कहते हैं। तो उपसहसंयोजन समावयवता क्या होती है आपकी, तो देखिए यहां पर लिखा कि समान अणु सूत्र वाले उपसहसंयोजन यौगिक, यानी समान अणु सूत्र वाले उपसहसंयोजन यौगिक जिनमें क्या होता है कि जिनमें उपस्थित लिगेंड अपनी स्थितियां बदल लेते हैं, यानी जिनके अंदर उपस्थित लिगेंड अपनी स्थितियां बदल लेते हैं, एक का लिगेंड दूसरे में चला जाए, दूसरे का पहले में आ जाए। तो लिगेंड क्या करते हैं वहां पर अपनी स्थितियों को चेंज करते रहते हैं कि एक कंपाउंड का लिगेंड दूसरे में चला गया और दूसरे का लिगेंड पहले कंपाउंड में आ गया। तो अदला बदली जब लिगेंड की होती है तो उसे हम कहते हैं उपसहसंयोजन समावयवता, ठीक। हाँ, तो एक दूसरे के उपसहसंयोजन समावयवी कहलाते हैं और इस गुण को उपसहसंयोजन समावयवता कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशन आप पूरी लिख सकते हैं, मैंने बता दिया है ना। एग्जाम्पल देखिएगा, देखिए CONH3 टू द होल 4 PTCl4, एक कंपाउंड आपका ये है लिखा हुआ है। उसके बाद यहां पर देखिए PTNH3 टू द होल 4 COCl4, यहां पर देखिएगा CO के साथ 4 कौन है, अमोनिया है, यानी यहां पर कोबाल्ट के साथ, यहां कोबाल्ट के साथ कितने अमोनिया है, 4, यानी कोबाल्ट के साथ अमोनिया लगे हैं। इस साइड में देखिए कोबाल्ट के साथ चारों क्या है, क्लोरीन, यानी इस बार कोबाल्ट के अमोनिया चले गए, कोबाल्ट के साथ कौन आ गया, क्लोरीन। तो यहां CO के साथ 4 Cl लगे हुए हैं, यहां प्लेटिनम के साथ देखिए 4 क्या है, क्लोरीन है, यहां प्लेटिनम के साथ 4 क्या आ गए, अमोनिया आ गए। यानी इन लोगों ने क्या किया कि आपस में लिगेंड की अदला बदली कर ली है, यानी लिगेंड की अदला बदली हो गई, लिगेंड का ट्रांसफर हो गया, इन्होंने अपनी स्थितियों को क्या कर दिया है, बदल लिया है, है ना। तो इस प्रकार से जब एक का लिगेंड दूसरे में और दूसरे का लिगेंड पहले में आ जाए, लिगेंड अपनी स्थितियां चेंज कर ले, बदल ले, तो उसे हम कहते हैं उपसहसंयोजन समावयवता, है ना। तो देख रहे हैं आप कि यहां पर CO के साथ NH3 था, यहां पर CO के साथ Cl आ गया, यहां पर प्लेटिनम के साथ Cl4 था, यहां प्लेटिनम के साथ अमोनिया आ गया, है ना। यानी इन दोनों ने आपस में क्या किया है, लिगेंड की अदला बदली कर ली है ना, इस प्रकार से ये कर लिया है इन दोनों ने, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद देखिएगा अगली समावयवता लिगेंड समावयवता, यानी लिगेंड आइसोमेरिज्म है। अब देखिए लिगेंड आइसोमेरिज्म क्या है, तो कुछ ऐसे लिगेंड होते हैं जो खुद ही समावयवता प्रदर्शित करते हैं। उसमें होता क्या है, उसमें जो लिगेंड में क्रियात्मक समूह होता है वो अलग अलग पोजिशन पर, अलग अलग स्थितियों पर जुड़ सकता है या लगा हुआ पाया जाता है, है ना। जैसे यहां पर देखिए क्या लिखा है लिगेंड समावयवता में कि समान अणुसूत्र वाले लिगेंड जो अपने समावयवी रूप में पाए जाते हैं, यानी समान अणुसूत्र वाले लिगेंड जो अपने समावयवी रूप में पाए जाएंगे, यानी खुद ही वो अपने समावयवता के रूप में पाए जाते हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं, तो लिगेंड समावयवी कहलाते हैं और यह गुण लिगेंड समावयवता कहलाता है, है ना। तो यहां पर क्या है कि जो लिगेंड होते हैं उनमें जो क्रियात्मक समूह है वो अलग अलग स्थिति पर खुद ही लग सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं लिगेंड समावयवता, है ना। एग्जाम्पल देखिए यहां पर लिखा हुआ है, अगर इसकी नंबरिंग करें तो 1, 2, 3, तो 1, 2 डाई अमीनो प्रोपेन, यानी 1, 2 डाई अमीनो प्रोपेन हो जाएगा। यहां पर देखिए 1, 2, 3, तो 1, 3 डाई अमीनो प्रोपेन, तो 1, 2 डाई अमीनो प्रोपेन, 1, 3
डाई अमीनो प्रोपेन, ये दोनों कौन सी समानता प्रदर्शित करते हैं? तो ये आपके लिगेंड समानता को प्रदर्शित करते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की ओर डिस्कशन में आपसे करता हूं। तो चलिए डिस्कशन कर लेते संरचनात्मक समानता की, जो हमारी लास्ट टाइप है इसका, उसका डिस्कशन कर लेते। देखिए यहां पर क्या लिखा कि बंधनी समावयवता, इसको कहते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म, है ना। अब ये बंधनी समावयवता क्या होती है? देखिए बंधनी समावयवता में होता कुछ नहीं है, जो आपकी केंद्रीय धातु परमाणु होता है संकुल यौगिकों के अंदर, वो क्या होता है कि उभयदंती लिगेंड, मैं आपको उभयदंती लिगेंड पढ़ाया है, तो इसमें आपको इस प्रकार की समावयवता में उभयदंती लिगेंड देखने को मिलता है। और वो उभयदंती लिगेंड आपको पता है कि जो उभयदंती लिगेंड होता है वो अलग अलग प्रकार परमाणुओं द्वारा केंद्रीय धातु से जुड़ सकता है ना। उसके पास एक से ज्यादा लोग इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाले होते हैं, लेकिन एक समय पर कोई एक ही परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है केंद्रीय धातु को। तो यहां पर क्या होगा कि कभी कभी एक आइटम है ना, और उसके बाद दूसरा आइटम, तो यहां पर परमाणुओं की संख्या जो है क्या है, दान करने वाले की, बदलती रहती है, उसी को कहते हैं बंधनी समायता, है ना। देखिएगा क्या लिखा है कि समान अणुसूत्र वाले उपसहसंयोजन यौगिक जिनमें उपस्थित उभयदंती लिगेंड, देखिए कौन सा एम्बीडेंटेट लिगेंड, इसको इंग्लिश में कहते हैं उभयदंती लिगेंड, है ना। तो उभयदंती लिगेंड भिन्न भिन्न दाता परमाणु द्वारा केंद्रीय धातु से जुड़े होते हैं, है ना। तो वे यौगिक जिनमें उपस्थित उभयदंती लिगेंड भिन्न भिन्न दाता परमाणु द्वारा केंद्रीय धातु से जुड़े होते हैं, एक दूसरे के बंधनी समावयवी कहलाते हैं, और यह गुण बंधनी समावयवता कहलाता है। यानी उभयदंती लिगेंड भिन्न भिन्न दाता परमाणुओं द्वारा जब केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े होते हैं तो वो एक दूसरे के बंधनी समावयवी कहलाते हैं, और इस गुण को क्या कहते हैं, बंधनी समावयवता कहते हैं। जैसे यहां पर देखिएगा एग्जाम्पल CONH3 द होल 5 NO2। NO2 क्या है, NO2 एक उभयदंती लिगेंड है, इसमें नाइट्रोजन भी दे सकता है ऑक्सीजन भी दे सकता है, लेकिन यहां पर देखिए डोनेट करने वाला कौन है, नाइट्रोजन, इसलिए N आगे लिखा हुआ है कि नहीं, बाहर तो Cl2 है, तो यहां पर डोनेट करने वाला नाइट्रोजन है आपका। उसके बाद यहां देखिए CONH3 का होल 5, इसी NO2 में ऑक्सीजन भी तो दे सकता है, तो यहां पर डोनेट करने वाला कौन है आपका, ऑक्सीजन है, तो यहां ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है और यहां पर नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, यानी इसमें उभयदंती लिगेंड कौन सा आया है, NO2। तो NO2 में जब नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो यहां पर देखिए नाइट्रोजन को आगे शो किया गया है, यहां पर ऑक्सीजन डोनेट जब कर रहा है तो यहां पर ONO इसको लिखा गया है। मैंने आपको IPSC नाम भी इनका बताया था, जब नाइट्रोजन डोनेट करता है तो नाइट्राइटो N लिखते हैं, जब ऑक्सीजन डोनेट करता है तो नाइट्राइटो O इसका नाम लिखते हैं, है कि नहीं। तो यहीं पर आप देख लीजिए कि उभयदंती लिगेंड आपका NO2 है, यहां नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है और यहां पर आपका ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है। तो इस प्रकार से ये हो जाता है इसका बंधनी समावयवता का एग्जाम्पल, है ना। तो इस प्रकार से ये हो जाती है आपकी संरचनात्मक समावयवता, है ना। इसका डिस्कशन मैंने आपसे कर लिया है, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को आज जो मैंने पढ़ाया है वो समझ में आया हुआ होगा, है ना। इसके जस्ट बाद क्या है कि हमारा जो अगला टाइप रहेगा उसका डिस्कशन मैं आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।